बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या करने के बाद मानो आत्महत्याएं करने का सिलसिला शुरू हो गया है। हरिद्वार जनपद में दर्जनों लोगों ने खुद को मौत की गहरी नींद सुला दिया। कोविड-19 के ही दौर में जनपद में अलग अलग क्षेत्रों से आत्महत्याओं की घटना प्रकाशित हो रही है। बड़ी बात तो यह है कि खुद को मौत की नींद सुलाने वाले अधिकांश नौजवान थे। बहरहाल मौत का कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन इस तरह से आत्महत्याओं की घटना बढ़ना चिंताजनक है। जनपद हरिद्वार का आंकड़ा देखें तो हाल ही में दर्जनों लोगों ने खुद को मौत की नींद सुला दी। अधिकांश लोग मौत का फंदा बनाकर झूल गए। परिवार समझ ही नहीं पा रहा कि आखिर ऐसी क्या वजह रही जिससे जिंदगी को अलविदा कर मौत को गले लगाया गया। कहीं पुलिस की फाइलों में आत्महत्याएं की गुत्थी सुलझी तो कहीं अनसुलझी बनकर दफन हो गई। रुड़की क्षेत्र की अगर बात की जाए तो हाल ही में लठोरा में एक युवक पत्रकार ने रस्सी से लटककर आत्महत्या की थी। इसके साथ ही धनोरी में एक सिपाही, जबरेड़ा में एक महिला सिपाही, रुड़की के पटापुर में एक विवाहिता और भगवानपुर के एक मजदूर समेत अन्य आत्महत्याओं की घटनाएं प्रकाशित हुई। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण से पूरा विश्व जूझ रहा है। ऐसे में लोगों के सामने विभिन्न प्रकार की दिक्कतें आन खड़ी हुई हैं। हरिया कुछ एक दिनों में आत्महत्या की घटनाएं हुई हैं, जो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, चिंताजनक भी है। क्योंकि कोई भी घटना किसी एक कारक का परिणाम नहीं होती है, बहुत सारे कारकों के समुच्चय से कोई एक घटना घटती है। तो निष्कर्षात्मक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती, लेकिन बहुत सारे सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक कारकों के सम्मिलन से ही ऐसी घटनाएँ होती हैं। ऐसे में मेरी लोगों से अपील है कि आपसी भावनात्मक जो कनेक्टिविटी है वो बनाए रखें और एक दूसरे का हौसला बने, मददगार साबित हो, विपरीत परिस्थितियों में लोगों की सहायता करें और ऐसे व्यक्ति के रूप में एक दूसरे के संवाहक बने, वो अपनी भावनाएं उनसे साझा कर सकें। स्वाभाविक है, बिना ऐसा किए हम ऐसी घटनाओं को रोकने में कामयाब नहीं हो सकते। अतः इमोशनल कनेक्टिविटी, सोशल कनेक्टिविटी बढ़ानी होगी और फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होगी।